Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू ज़ुबान में सीख रहे हैं। Dear students, आज के इस lesson के अंदर मैं आपको फर्श बनाने का method बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई 3D objects है, कोई आपने 3D काम कर रहे हो, उसके अंदर आप फर्श को कैसे create करेंगे, उसका क्या method होगा, क्या तरीकेकार होगा। आए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो मैं AutoCAD की फाइल लास्ट वन जिसके पर मैंने काम किया था, रिलिंग्स वगैरह लगाई थी, इसको मैं ओपन कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में देखता हूं मेरे पास फर्श वगैरह कैसे बनेंगे। कंट्रोलाइज कर दें। सबसे पहले याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी काम करते हो, मैंने बोला 3D के अंदर जो भी आप करेंगे, आप लेयर्स के अंदर रहकर काम करो। तो आप देखिए आपके पास मुख्तलिफ इधर लेयर्स बनी हुई है। यहां पर मुझे एक और लेयर बनाने की जरूरत है। लेयर के लिए आप इधर क्लिक भी कर सकते हो और LA भी एंटर कर सकते हो अपने कीबोर्ड से। तो मैंने L एंटर किया और न्यू पे क्लिक कर दें। यहां पे फ्लोर का नाम दे दें, फर्श का नाम कुछ भी आप रख लें। मैंने एक लेयर बना ली है फर्श के नाम की, कंट्रोल S। अब मेरे पास जो एक्स्ट्रा चीजें हैं यहां पे, जैसे मेरे पास यहां पे रेलिंग है, देखिए क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कुछ हैवी हो रहा है, देखिए आपको कुछ स्लो महसूस हो रहा होगा स्पीड इसकी, देखिए सिस्टम की स्पीड स्लो है। तो अब क्या करें, कुछ चीजों को ऑफ कर दें। जैसे मैं अपने पास अभी मैं विंडो फ्रेम को ऑफ कर देता हूं, मैं वॉल्स को ऑफ कर देता हूं, रूफ साइड्स को ऑफ कर देता हूं, रेलिंग को, मिरर को और रूफ साइड्स को और रूफ को, देखिए ये मैंने ऑफ कर दिया अपने पास, ठीक है। ये पिलर तो मैंने आपको वैसे लास्ट लेसन के अंदर वैसे ही बनाना बताए थे, तो ये मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। कंट्रोल एस कर दें। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अपना फर्श बनाना है। तो फर्श बनाने के लिए आप क्या करते हो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें ये जो आपके पास बाहर वाली लाइन होती है दीवार के साथ वाली, इस लाइन की बेस पे आप बनाते हैं। और ये जो आपके पास एरिया है, ये आपके पास वरांडा जो है, ये आपके पास 1 से 2 फीट से 3 फीट की हाइट पे होता है, और कार पार्क जो होता है वो आपके पास बिल्कुल नीचे फर्श के साथ होता है। इसलिए यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टेप्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब ये शेप कैसे ड्रॉ की जाएगी, कैसे बनाई जाएगी, इस मेथड को आए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ लाइनों को अपने पास कॉपी कर लेता हूं। ये अपने पास आप पॉली लाइन घुमा रहे हैं, ठीक है। तो मैं कॉपी करता हूं, फिर मैंने पॉली लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने कॉपी की ऑप्शन लगा दी, देखें ये लाइनें क्लिक कर लें, जो बायर बायर वाली लाइनें हैं, यहां से ये है, ये है, सी ओ मैंने एंटर किया हुआ है कॉपी के लिए, और उसके बाद मैं सबको 1 by 1 बायर वाली को क्लिक करता आ रहा हूं। ये देखें, दिस वन अगेन, ये वाली है और ये वाली रही, ये है, ठीक है, और देन ये वाली मेरे पास आ गई, ठीक है जी। ये मेरे इनको आपस में अंदर में आपस में सीधा मिला दूंगा, और मैं इसको राइट क्लिक कर देता हूं। मैंने इसको जैसे पिक किया, उठा के मैं इसको इस तरफ को ले आता हूं, कंट्रोल एस कर दें। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप फुली पॉली लाइन के अंदर आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपने फिलेट लगाना है, रेडियस 0 का होना चाहिए। आप एक क्लिक करें और दूसरा क्लिक इधर आगे नहीं करना, आपने पीछे रहकर क्लिक करना। ये देखें, इस तरह से एक क्लिक ये रहा, दूसरा क्लिक ये रहा, एक क्लिक ये रहा, दूसरा 1 2 1 2, फिर आपके पास 1 क्लिक है और ये 2 क्लिक है। अब देखें, अगर मैं इसको इधर क्लिक कर दूंगा तो ये इधर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, फिलेट्स, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट रहा, और ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट रहा। तो मेरे पास ये लाइनें आपस में इस तरह से मिल चुकी हैं, यहां पे बिल्कुल परफेक्ट मिल चुकी होंगी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इस चीज को आप बाउंड्री बना दो, बी ओ एंटर कर दें आप बाउंड्री के लिए, पिक एंटर कर दें, कंट्रोल एस कर दें, ठीक है। अब मेरे पास ये बन चुका है। अब इसको भी आप ईएक्सटी कर डालें यहां से, और तकरीबन 2 फिट की हाइट आप इसे दे दें। तो देखिए, मैंने इसको 2 फिट की हाइट दे दी है। अब आप इसको मूव कर दें, बाउंड्री करने के बाद आपसे कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट उठा लें और वही कॉर्नर पॉइंट सेम टू सेम जाकर आगे क्लिक कर दें, ठीक है। अब देखें, मेरे पास सेम टू सेम अगर आप लाइनें देखें नीचे, तो हर लाइन अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट की हुई है। देखें यहाँ पे, यहाँ पे देखें, बिल्कुल परफेक्ट लाइन जा रही है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पर है, ठीक है। अब इसको आप इधर ही रहने दें और कोई अपनी लेयर से जो है वो कलर चेंज कर दें। बल्कि सबसे पहले तो इसे मैं रूफ फ्लोर के अंदर डाल देता हूँ, मैंने इसको डाल दिया है। देन मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, एल ए एंटर कर देता हूं अपने कीबोर्ड से मैनेज करने के लिए, और अगेन फ्लोर वाली का कोई कलर दे दें आप, इसको मैं एक डार्क कलर दे देता हूं ऐसा, ये मैंने इसको कलर दे दिया। अब देखें मेरे पास ये रहा, ठीक है, यहाँ के पास फ्रेम्स वगैरह आ चुकी हैं, इनको मैं
बल्कि इसको तो मैंने इसमें कन्वर्ट करना था डोर फ्रेम में, बेसिकली इसको मैंने हाइड नहीं किया था, ये रहा। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें। अब आप ड्रॉ के अंदर चले जाएं यहां पे, और जस्ट जाकर अपने पास अपने तमाम लेयर्स को ऑन कर लें। ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा बिल्कुल, लेकिन अब डेफिनेटली ये आपको थोड़ा सा हाइट भी दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सा इसका मेथड है, आपने क्या करना है इसको मूव करके नीचे ले जाएं यहां से, या तो आप तमाम दीवारें और तमाम ऑब्जेक्ट्स को मूव करके इसके ऊपर ले आए, अगर इसके ऊपर नहीं लाना चाहते हैं तो तमाम चीजों को आप मूव करके नीचे ले जाएं। ये देखें, ये नीचे आपके पास ये दोनों मेथड है। देखें अब आपके पास ये क्या हुआ, आपका ये नीचे फर्श बन चुका है, लेकिन इसके ऊपर स्टिल हम जाकर आगे फाइनल से काम करेंगे जब लास्ट लेसन में आपका लूंगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जब हम लास्ट में काम कर रहे होंगे उस वक्त मैं क्या करूंगा, तमाम ऑब्जेक्ट्स को ऊपर कर दूंगा 2-2 फिट्स, और ये छत जो फॉल अपना हमारा ये जो फर्श है ये भी 2 फिट से ऊपर हो जाएगा, इस तरह से इधर वाला फर्श हमारे पास निकलकर सामने आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था बिल्कुल सिंपल सा लेसन, बिल्कुल सिंपल सी चीज। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्स आपको फ्री ऑनलाइन कराए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी मुकम्मल DVDs लेना चाहते हैं जिसके अंदर हमने मुकम्मल आपको AutoCAD के लेसन बताए हुए 2D+3D, या हमारी तैयार करदा मैप कलेक्शन सीडीज अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 03439017779 पे, हमारा स्काइप का आईडी है xpacademy, और हमारा ईमेल आईडी हमारा ईमेल आईडी है xpacademy@ymail.com। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।